मंबो जंबो किड्स चैनल में आपका स्वागत है। मो और जो अपने माता पिता के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी और पापा नाश्ते को देखकर चौंक जाएंगे, सही कहा ना मो? हाँ, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम नाश्ता बनाएंगे। ओहो, क्या हुआ? अंडे तो खत्म हो गए मो। ओह, चलो जल्दी चलते हैं और ले आते हैं। हमें ऐसे बतख को ढूंढना चाहिए जो रोज हमें सोने के अंडे दे। वो क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बार की बात है, एक किसान के पास एक बतख था। वो बहुत ही खास बतख था। जब वो बतख के पास गया तो उसने देखा कि बतख ने एक अनोखा अंडा दिया था। ये क्या है? तुमने अंडा दिया? ये अंडा कैसा अजीब दिख रहा है। ये सोने का बना है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुरंत इसे बेच के आता हूँ। किसान सोने का अंडा बेचने बाजार गया। और उसके बदले में उसे ढेर सारे रुपए मिले। उस रुपए से वो बहुत सारे पशु और अनाज खरीद कर ले आया। अगले दिन वो फिर से अपनी बतख के पास गया और दोबारा सोने का अंडा देखकर चौंक गया। एक दूसरा अंडा, मैं सचमुच धन्य हो गया। किसान दोबारा जाता है और उस अंडे को बेचकर ढेर सारे रुपए ले आता है। उस रुपए से वो अपने घर की छत की मरम्मत करवाता है। अगले दिन फिर से वो अपनी बतख के पास जाता है और वैसा ही अंडा पाता है। इसी तरह से कई दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। किसान हर सुबह बतख के पास जाता और सोने का अंडा पाता। वो इस तरह उन्हें बेचकर अमीर बन गया। लेकिन जैसे जैसे वो अमीर बनता गया, वो लालची होता गया। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है कि मैं रोज सोने के अंडे का इंतजार करूं। मुझे और चाहिए, मुझे सारे अंडे चाहिए इसी वक्त। सारे अंडे मैं तुरंत तुम में से निकाल लूंगा। अपने लालच में पागल हुआ किसान बत्तख को चाकू से मार देता है और उसके पेट में अंडा ढूंढने लगता है। कहाँ है वो अंडे? ये तो खाली है, यहाँ तो कोई अंडा नहीं है। किसान ने पूरी तरह से तलाश किया लेकिन उसे अंडा नहीं मिला। उसे उसी वक्त अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। ये मैंने क्या किया, अपने बतख को मार डाला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो रोज सोने का अंडा पाने का मौका खो चुका था।
ये बहुत ही अच्छी कहानी है, लेकिन ये सोने का अंडा हमारी मदद कैसे करेगा? इसमें तो ऑमलेट भी नहीं बनेगा। लगता है सही बोल रहे हो। अभी के लिए हम साधारण अंडा ही ले आते हैं, ठीक है? हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।